संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने चल रहे मदरसों को लेकर कहा कि जिन मदरसों को शिक्षा विभाग या मदरसा बोर्ड ने अनुमति नहीं दी है उनकी गतिविधियों पर नियंत्रण करना जरूरी है। यह ध्यान देना आवश्यक है कि वहां क्या क्या पढ़ाया जा रहा है। इस मौके पर उन्होंने भगवा रंग को त्याग और पराक्रम का प्रतीक बताया। संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने कहा मदरसों में कई गतिविधियां संदिग्ध और विचित्र पाई गई हैं, इसलिए इन मदरसों में ध्यान देना जरूरी है। कहीं मदरसों में देशद्रोहिता की शिक्षा तो नहीं दी जा रही है, यह जानना आवश्यक है, इस बात की चिंता है। वहीं आरिफ मसूद के संघ के स्कूल वाले बयान पर उषा ठाकुर ने कहा कि संघ के स्कूल की जांच करा लें, हमारे यहाँ तो सनातन का संस्कार है और राष्ट्रभक्ति की प्रखर शिक्षा है। वहीं उन्होंने भगवा रंग को लेकर कहा कि भगवा रंग सत्य त्याग पराक्रम का वाहक है। उषा ठाकुर ने अभिनेत्री स्वरा भास्कर और दीपिका पादुकोण पर कहा कि ड्रेसअप हमारे बोलचाल रहन सहन का तरीका ऐसा होना चाहिए कि हमें देखकर समाज में सदसंस्कारों की भावना समाज में प्रेरित हो। अगर हम अश्लीलता को प्रदर्शित करेंगे तो जाने अनजाने हमारी आने वाली पीढ़ी पर इसका प्रभाव पड़ेगा। और वो मदरसे जिनको मदरसा बोर्ड या जिनको शिक्षा विभाग ने अनुमति नहीं दी है उनकी गतिविधियों पर नियंत्रण करना, उन पर ध्यान देना बहुत अनिवार्य है कि वहाँ क्या पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है। देशद्रोहिता की शिक्षा तो नहीं दी जा रही, इस बात की चिंता। हमारे यहाँ तो सनातन का संस्कार है और राष्ट्रभक्ति की प्रखर शिक्षा है। टारगेट पे इसलिए चलते हैं कि कई गतिविधियाँ उसमें ऐसी संदिग्ध और विचित्र पाई गई जो समाज के हित में नहीं है। अरे भाई, कहीं मान्यता ही प्राप्त नहीं है। एक मदरसे में 40 छोटे छोटे बच्चे भरे हुए, कहीं मानव तस्करी का मामला तो नहीं है? बच्चों को कोई क्यों इस प्रकार से इकट्ठा करके रखा हुआ, चिंता ये है। हमारा ड्रेसअप, हमारे बोल चाल, हमारे रहन सहन का तरीका इतना प्रभावी और श्रेष्ठ होना चाहिए कि हमको देख के समाज में सदसंस्कारों की भावना प्रेरित हो। यदि हम उद्दंडता अश्लीलता का प्रदर्शन करेंगे तो जाने अनजाने हमारी आने वाली पीढ़ी उसी बात की ओर प्रेरित होगी। मदरसों को लेकर जो बयान गृह मंत्री ने दिया है उस पर मुझे एतराज, और एतराज इस बात पर है कि जब बार बार मदरसों को टारगेट करते हैं तो आपको कभी सरस्वती शिशु मंदिर भी देखना चाहिए जो संघ के द्वारा वहाँ क्या पाठ्यक्रम चल रहा है। और ये देश गांधी का देश है और पढ़ाई स्वतंत्र है, स्टूडेंट स्वतंत्र है, उस पर कोई बाध्य नहीं हो सकता। जिस छात्र को जहाँ लगेगा वहाँ पढ़ेगा। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।